Welcome to the Scorpio, your dream vehicle. सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी पृथ्वी तोमर और आज हमारे साथ है इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एसयूवी जो कि अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो S10 और ये 2018 का मॉडल है। और आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और ये गाड़ी किसके लिए बनी है। वैसे बताने की जरूरत नहीं है, इट्स अ गैंगस्टर कार। तो इस गाड़ी का एक अलग ही रुतबा है। तो इस गाड़ी में ना बहुत से एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो वो जो कि हर कार में होते हैं। ऐसी कोई कार नहीं है जिसमें कोई डिसएडवांटेज ना हो। बस मैटर ये करता है कि वो डिसएडवांटेज आपको बॉदर कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो आपके लिए डिसएडवांटेज नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। और बाकी हर गाड़ी में कोई ना कोई कमी होती ही है, बाकी गाड़ी तो सब अच्छी है। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपन शुरू करते हैं एडवांटेजेस के साथ। भाई पहला एडवांटेज तो इस गाड़ी के लुक्स हैं। मतलब ये गाड़ी जो है ना, मेरे को पर्सनली अपनी जो स्कॉर्पियो N आई है ना उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। और इसकी जो ये वाली ग्रिल है, ये S11 में जो आई थी वो ज़्यादा अच्छी लगती है इससे। पर ये है कि ये उस टाइम की 2018-17 में ये टॉप मॉडल हुआ करता था जब S11 नहीं आता था। S11 19 या 20 में आया है, तो ये गाड़ी उस टाइम की टॉप मॉडल है। तो इस गाड़ी के लुक्स है ना एक नंबर है, जो कि देखते ही में मतलब मज़ा आता है इस गाड़ी को। और अभी भी ये गाड़ी 5-6 साल पुरानी हो गई है और मस्त चल रही है और इसके ऐसा कोई आउटडेटेड भी नहीं लगती है। तो ये मस्त गाड़ी है। पहला एडवांटेज तो इसके लुक्स ही, पीछे से भी कितनी बढ़िया लगती है मतलब गाड़ी देखने में। जो S11 जो S10 आई है ना वो मेरे को तो इतनी खास नहीं लगती इसके कंपैरिजन में। भले ही उसमें फीचर्स हो सकते हैं, ज्यादा सब कुछ हो सकता है, पर इसकी फील और इसके लुक्स उसमें तो नहीं है बिल्कुल। मतलब लुक्स आज भी अगर मेरे को स्कॉर्पियो लेना हो ना तो आज भी मैं यही स्कॉर्पियो लूंगा, स्कॉर्पियो N को छोड़ के। और जैसे इसमें देखो अलॉय जो अपने आते हैं, ये वाले जो क्लासिक में भी अलॉय आ रहे हैं ना स्कॉर्पियो, वो भी मेरे को इतने खास नहीं लगते। S11 और S10 के अलॉय ज्यादा अच्छे लगते हैं। अपन को यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं 17 इंच के अलॉय 235/65R17, तो जो कि अच्छे भी लगते हैं। अभी गंदी हो रखी है गाड़ी क्योंकि ऐसे बारिश हो रही है तो चल के आई है तो गंदी हो गई है, तो उसको इग्नोर करना। बाजू में स्कॉर्पियो की बैजिंग बढ़िया। मतलब पीछे से मैं दिखाता हूँ एक बार गाड़ी, ये देखो मतलब क्या ही लगती है यार ये गाड़ी। इस गाड़ी का जैसे कॉम्पिटिटर पहले थी सफारी, अब तो नहीं है क्योंकि ऐसे सफारी जो अब कंपनी ने बनाई है उसके तो क्या ही कहने, वो तो अलग है। और ये गाड़ी की पहले कॉम्पिटिटर थी सफारी, पर मेरे को सफारी से भी ज़्यादा अच्छे लुक्स इसके लगते हैं अगर सफारी से इसको कंपेयर करें तो। बाकी आई एम ऑल्सो सफारी लवर, तो कोई ये ना सोचे कि मैं सफारी को डिफेम कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ। सफारी पर्सनली मेरे को बहुत अच्छी गाड़ी लगती है और ख़ासकर कंफर्ट के मामले में मेरे को इससे ज़्यादा अच्छी वो लगती है और लुक्स में ये ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हर गाड़ी के प्रो एंड कॉन्स हैं तो उस पर अपन बात नहीं करेंगे, अपन इसकी बात कर लेते हैं। इसके हेडलाइट की बात कर लो। हेडलाइट में ये वाला जो बल्ब दिख रहा है ना, जब इसको टर्न करते हैं ना तो टर्न पे ये वाला बल्ब जलता है जिसमें आपको साइड में भी रोशनी मिले और आपको मतलब दिक्कत ना जाए चलाने में। और हेडलाइट का भी थ्रो मस्त है, एक नंबर है, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं जाती रात में गाड़ी चलाने में, तो ये भी उसका एक एडवांटेज ही है। और पता है ये गाड़ी को 4-5 साल में हम लोग ने करीब चला लिया है 211,000 किलोमीटर। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, इसको चला रखा है 211,374 किलोमीटर, 211,374 किलोमीटर। तो इतना ये चलने के बाद भी अभी भी अगर इस गाड़ी का साउंड है, जो इंजन का साउंड है, और अभी तक इसका इंजन का भी कोई काम नहीं हुआ है, ये गाड़ी मेरे हिसाब से 3-4 लाख किलोमीटर आराम से करेगी बिना किसी इंजन में काम आए। तो मतलब इसका सबसे अच्छी चीज तो यही है कि एस कंपेयर इतनी बड़ी एसयूवी और इसका जो मेंटेनेंस है ना वो भी काफ़ी मतलब कम है, कम तो नहीं पर ऐसा है कि हाँ इस गाड़ी के हिसाब से कम है। और बाकी अगर बात कर लें इसके इंटीरियर की, तो इंटीरियर भी ड्यूअल टोन मिल जाता है तो वो भी बढ़िया लगता है देखने में। यहाँ पे ब्लैक और यहाँ पे ये हल्का सा ग्रे टाइप का इंटीरियर मिल जाता है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है ना। तो इसकी जो सीट्स आते हैं ना वो सीट्स भी इसी इंटीरियर से मैच करते हैं, मतलब ब्लैक और ग्रे कलर का टोन रहता है सीट में भी, पर ये चेंज करवा के इसमें ब्लैक डलवा रखी है तो वो अभी चेंज हो गई है, 4-5 साल में वो खराब हो गई थी। तो और पीछे भी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है बैठने के लिए, लेग रूम और जो अंडर थाई सपोर्ट है वो तो इस गाड़ी का बढ़िया है ना। तो अभी एडवांटेज की बात कर रहे हैं तो डिसएडवांटेज की भी बात करेंगे। सीट में इसमें पीछे भी कुछ डिसएडवांटेज है तो वो भी मैं बात करूंगा उस बारे में। बाकी तो ये गाड़ी
पूरी एक नंबर बढ़िया देखने के लिए मिल जाती है। और मेरे को एक चीज और बतानी थी कि जो स्कॉर्पियो क्लासिक आ रही है ना, उसमें ये वाला पिलर डी पिलर और ये लाइट ये रेड कर दिया है। इसमें जो ट्रांसपेरेंट है ना ये, तो ये रेड कर दिया है। तो वो चीज है ना मेरे को बिल्कुल पर्सनली तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मेरे को तो यही अच्छा लगता था कि जो यहाँ पे ब्लैक है और यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट है। मैं यहाँ पे एक बाजू में फोटो डाल दे रहा हूँ, तो आप भी देख के बताना कि ये ज्यादा बेटर है या ये ज्यादा बेटर है। तो वो पर्सनली लग सकता है, किसी को वो अच्छा लगेगा किसी को ये, पर मेरे को तो यही अच्छा लगता है। तो अगर कभी मैं तो अगर एस क्लासिक लूंगा भी, तो उसमें ये वाली लाइट्स और ये वाला पिलर उसको ब्लैक करवा के डलवाऊंगा तो ज़्यादा अच्छी लगेगी, खासकर ब्लैक कलर में। यार ब्लैक कलर में अगर वो रेड रेड सा दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। और पीछे यही पुराना वाला महिंद्रा का लोगो, पीछे एक वाइपर और बढ़िया ये गेट। ये गेट में एक और है कि ये स्टेपनी नहीं है ना इसमें पीछे, तो ये आराम से लग जाता है, ये भी बढ़िया है। और पीछे की कंडीशन थोड़ी सी खराब क्योंकि सर उसमें डीजल ईजल जाता रहता है। पीछे इसका टैंक खोलने के लिए भी यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा दे रखा है कि सामने का काम ना करे तो पीछे ये। बाकी अगर चलने के मामले में बात करें ना, ये गाड़ी अभी भी नई गाड़ी जैसे चलती है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि इसको बिल्कुल केयर इतनी ज़्यादा करी है इसलिए ये ऐसा चल रही है। ये गाड़ी ही मतलब खदानों में माइंस में सब जगह चली है और ज़्यादातर वहीं चलती है, जैसे इसको गंदी भी है उस हिसाब से। तो ये गाड़ी ना इतना अच्छा परफॉर्म करी है कि इसमें ना अभी कोई अंदर से आवाज़ आती है कि ऐसे खड़ा फड़ा भी नहीं करती ज़्यादा। जैसे सफारी का मैं बोलूँगा कि जो हमारे यहाँ सफारी भी है इसलिए मैं बार बार उससे कंपेयर कर रहा हूँ, और इसकी कॉम्पिटिटर भी थी सफारी। तो कहते हैं सफारी में ये होता है कि उसका अंदर का जो प्लास्टिक है ना और वो सब जब गड्ढे में गिरती है ना वो गाड़ी, तो इतने टाइम के बाद बजने लगती है। इस गाड़ी के साथ बिल्कुल वैसा नहीं है, ये कहीं से नहीं बजती और इसमें कोई भी ऐसा साउंड नहीं आता। बस पीछे वाली जो दो सीट है ना वो साउंड करती हैं, जब अगर खाली है कोई बैठा नहीं है उस पर तो वो आवाज़ करती हैं थोड़ी बहुत। बाकी इस गाड़ी में कोई भी अनइवन नॉइज़ नहीं है। और इंजन तो इस गाड़ी का अभी भी बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है 211,000 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद। और जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता रहता हूँ हर गाड़ी के रिव्यू करने में कि फेंडर में इंडिकेटर, फेंडर में इंडिकेटर अच्छा नहीं लगता, इसमें दिखाऊंगा एक चीज़। इसका जो फेंडर वाला इंडिकेटर है वो ऐसा कोई बेकार नहीं लगता है, क्योंकि इसके ये सब जो यहाँ लगा रखा है ना इसके कारण। इसमें भी ये टॉप मॉडल है, इसमें भी यहाँ पे इंडिकेटर नहीं आता, यहाँ आता है, पर देखने में कोई बेकार नहीं लग रहा ये फेंडर में इंडिकेटर। मतलब अगर किसी कंपनी को फेंडर में देना भी है तो ऐसा नहीं है कि फेंडर में इंडिकेटर ही बेकार है, ऐसे दो तो अच्छा भी लगे। लुक्स में इस गाड़ी को है ना मतलब ये बीट नहीं कर सकता कोई, मतलब मस्त है। और यहाँ पे जो एयर इनटेक के लिए दिया है ये भी वर्किंग है। जैसे सामने से आप यहाँ पे ये नीचे कवर टाइप का आता है ये वाला, ये तो आपको लग रहा होगा कि ग्राउंड क्लियरेंस सामने से देखने में थोड़ा कम कम सा लगता है। एक बार मैं साइड से दिखाता हूँ आपको ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी का, ये देखो बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस है, कहीं कोई टिकती नहीं है, कुछ नहीं होता है। बढ़िया चलाओ भगाओ जो करना वो करो इस गाड़ी के साथ, और बढ़िया कूदते निकलती है कहीं से भी। तरीके से देखा जाए ना ये गाड़ी थोड़े वैसे लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी है, एक तो गैंगस्टर टाइप के लोगों के लिए, और दूसरा ऐसा है कि नए लड़कों के लिए, मतलब यंग मैन कार उस टाइप की गाड़ी है ये, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफर्ट में आपको मार खाती है ये। और बहुत से लोग यही बोलते हैं कि जैसे ये ज़्यादा स्पीड में इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, ये नहीं आता वो नहीं आता, तो यार चलाने पे भी डिपेंड करता है। और जैसे अगर आप कोई सेडान चलाओगे या अभी की कोई गाड़ी है वैसी चलाओगे तो उससे मतलब वैसी फील तो ये नहीं देगी कि वैसा कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा स्टेयरिंग में ये वो, पर जो इसको चलाता है ना वो 160 पे भी चला लेगा और सब भगा भी लेगा और उसके हाथ कुछ भी नहीं होगा। वहाँ 211,000 किलोमीटर चल चुकी है, तेज भी चलाते हैं, सब कुछ करते हैं इस गाड़ी में, पर ये ऐसा भी नहीं है कि थोड़े मोड़े टर्न में पलट। बाकी इस गाड़ी में बॉडी रोल तो है और थोड़ा ज़्यादा भी है, और ये भी है कि चलने में थोड़ा ऐसा लगता है कि जो नए लोग चलाएंगे ना उनको नहीं समझ में आएगा ये कि ये गाड़ी नहीं समझ में आएगी चलाने में, क्योंकि ऐसा है जिसने अगर कोई वैसी गाड़ी चला ली जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, या वो है जैसे XUV700 हो गई और 500 भी इससे ज़्यादा स्टेबल है, तो इनकी बात अलग है। पर इस गाड़ी का फील है ना चलाने का, उस चीज़ में भी एक फील होता है यार, जैसे सफारी का फील है, सफारी भी जब चलती है ना तो बॉडी रोल आता, तो ऐसे ऐसे होती है गाड़ी, पर ये नहीं है कि वो गाड़ी तेज जब पलट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी को थोड़ा चला के कि चलाने में क्या फील है ऐसी क्या नहीं है। वैसे इस गाड़ी को इतना चला लिया है कि पता है कि ये गाड़ी में क्या है क्या नहीं है और कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी। चलो चला के बात करते हैं। तो बात कर लेते हैं इस गाड़ी को चला के। चलाने में तो ये गाड़ी एक नंबर मतलब बढ़िया है, इसका जो पिकअप है बाकी सब कुछ है सब एक तो अप टू पॉइंट है, मतलब सब में सब मजा आता है चलाने में। और जैसे अभी इंजन का नॉइज़ भी सुना चालू होने में, ऐसा कोई खास ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है, स्मूथ साउंड है,
अंदर आता है पर बहुत मतलब ऐसा कि चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसको चलाने में। ऐसे तो अंदर नॉइस आ रहा है ना, वैसे भी स्कॉर्पियो जिसको पसंद है उसको तो सब चलेगा, बस स्कॉर्पियो चाहिए। भले ही इसको जीरो स्टार मिला है सेफ्टी में, बाकी ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ तो नहीं है अभी आज तक किसी का भी इसका। और इसमें वैसे भी ये टॉप मॉडल है तो एयरबैग्स मिल जाते हैं, तो सेफ्टी भी ठीक है, मतलब ऐसा है कि चलेगा स्कॉर्पियो। महिंद्रा वालों को भी पता है कि इस वाले स्कॉर्पियो के क्या लुक्स हैं और इसकी क्या वैल्यू है, तभी अभी भी क्लासिक आ रही है स्कॉर्पियो एन के आने के बाद भी, और लोग अभी भी ले रहे हैं इसको क्योंकि सब लोगों को पसंद है ये गाड़ी। ये गाड़ी से इमोशंस है, सबके इमोशंस जुड़े हैं। जैसे भागने में भी इस गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं है, ये गाड़ी में 180 मतलब 180 तक की स्पीड है इसमें मीटर पे, और ये गाड़ी जाती है 160 तक, 160 से ज्यादा नहीं भागती है, तो भी 160 बहुत सही स्पीड है इसकी इतनी बड़ी बॉडी के साथ। अगर इससे ज्यादा में भगाएंगे या कभी टर्न वर्न हो गई तो रोल ओवर भी हो सकती है। बाकी ये है कि जो इस गाड़ी को चलाता रहता है ना उसको इस गाड़ी पे कॉन्फिडेंस आ जाता है, मतलब जो एक दो बार चलाएगा, जिसने स्कॉर्पियो ज्यादा नहीं चलाई है तो उसको कॉन्फिडेंस पहली बार में नहीं आएगा, थोड़ी चलाने में तेज चलाने में, या जिसने सफारी जैसी भी गाड़ी चलाई है, बड़ी गाड़ी है जो, और जिसमें बॉडी रोल भी होता है, तो उन गाड़ियों को चलाने के बाद ये चलाओगे तो उसमें भी कॉन्फिडेंस रहेगा। और जो कुछ भी मैं ये सब बोल रहा हूँ ना, जिसके पास स्कॉर्पियो है और स्कॉर्पियो चलाई है वो तो ये चीज आराम से समझ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे अपन इस गाड़ी के हो सकते हैं वो इसके और भी एडवांटेजेस हैं, तो हो सकता है मैं वो भूल रहा हूँ, तो अगर भूल गया हूँ तो कमेंट सेक्शन में भी बता देना, तो अगले आगे कभी इस पर वीडियो बनाएंगे, अपनी गाड़ी है तो आगे फिर बना लेंगे। तो इसके एडवांटेजेस की बात तो ये हो गई यहाँ पे, है ना। अब बात कर लेते अपन इस गाड़ी के डिसएडवांटेजेस की। देखो इस गाड़ी में ना छोटे मोटे डिसएडवांटेजेस भी हैं, ये है ना दो चीज का कॉम्बिनेशन है, एक गैंगस्टर कार और साथ साथ फैमिली कार, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसको है ना प्रॉपर फैमिली कार वैसे अगर कंफर्ट के मामले में बोलोगे ना तो नहीं मान सकते, क्योंकि से इसमें पीछे वाली जो सीट है, अभी मैं उसमें बैठ के ही बताता हूँ, वो थोड़ी सी ना स्ट्रेट है, ऐसा लगता है 90 डिग्री है, 90 है नहीं पर लगता है। तो जब इसमें लंबा ट्रेवल करते हैं ना, जैसे 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर, तो पीछे वाली सीट में बैठने में बहुत अनकंफर्टेबल होता है, और उनसे वाले पीछे वाली सीट तो कोई काम की नहीं है ऐसे कोई खास, आसपास जाना है 10-12 किलोमीटर 20 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर, तो उसके लिए ठीक है, बाकी उसमें कोई ज्यादा लंबा नहीं बैठ सकता, और बैठेगा भी तो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। आगे वाली सीट्स की बात करूं तो आगे वाली सीट मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया हैंड रेस्ट भी है, तो हैंड रेस्ट में हाथ रखे रखे गियर बदल लो अपना तो वो भी अच्छा लगता है, पर पीछे वाली सीट का कंफर्ट बेकार है। अभी अपन इसको खराब रोड में भी चला के देखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी में ना जब गाड़ी चला तो ये होता है, तो ये भी एक बेकार चीज है इस गाड़ी की। और ये एक रियर व्हील ड्राइव कार है, तो इसमें ना एक दिक्कत और आती है, जैसे किसी रैंप में चढ़ा रहे हैं तो एक तरफ अगर टायर हो जाए तो पीछे वेट ना होने के कारण ना टायर राउंड मारने लगता है, और उसका एग्जांपल ये है। तो देखो ये घर का रैंप है छोटा सा है, और गाड़ी का ये टायर ऊपर आ गया है, वो वाला हल्का मतलब झुक गई है गाड़ी का, यहाँ से वेट चला गया है, तो अब देखो चढ़ा रहे हैं तो क्या दिक्कत होगी दिखाना भाई तुम्हें, देख रहे हो देखा यहाँ। अब इसमें क्या होगा, जैसे ये गली है यहाँ पे पतली सी, तो अब यहाँ एकदम से चढ़ाओ या फिर, और ये रैंप भी पता है कोई ज्यादा ऐसा ऊंचा नहीं है, तो और यहीं से सफारी भी चढ़ाते हैं तो सफारी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि उसकी वेट भी ज्यादा है, तो और पिछले वाले टायर का आर्टिकुलेशन भी स्कॉर्पियो से काफी ज्यादा है, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, इसका आर्टिकुलेशन भी मतलब कम है और वेट भी नहीं है पीछे, इसलिए राउंड खाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि क्या दिक्कत होती है इस गाड़ी में, है ना। तो आपका भी अगर घर थोड़ा ऐसा गली टाइप में है तो दिक्कत हो सकती है इसको चलाने में, और जैसे कि मैंने बोला कि इसका पीछे वेट नहीं है, तब जैसे मैं अकेला इस गाड़ी में घूम रहा हूँ तो पीछे से है ना गाड़ी जब ब्रेक कराएंगे दच के आएंगे तो आगे को होने को होती है, मतलब आगे वाले तो निकल जाएंगे क्योंकि इसके सस्पेंशन में वजन है आगे, तो सस्पेंशन स्टिफ होने के कारण भी दब जाते हैं, पर पीछे वाले जो सस्पेंशन है ना वो दबते नहीं है, गाड़ी को पीछे से आगे को फेंकते हैं, मतलब ऐसी होती है गाड़ी। जैसे अभी दिखाता हूँ आगे ब्रेकर है, तो ये पीछे से आगे की निकल गई आराम से, पीछे की कूदी, पीछे की मतलब लिटरली इतने ऊपर ऊपर तक टायर चले जाते हैं ब्रेकर में, मतलब पीछे से उठ जाती है गाड़ी, अगर तेज में निकाल दो ना थोड़ा तो पीछे से उठ जाती है लिटरली। तो ये तो भाई इस चीज की एक दिक्कत है, तभी मैंने इसको बोला था कि इट्स अ यंग मैन कार, कि इसको है ना जैसे जिनकी एज हो गई है, जिनको कम्फर्ट ज्यादा मैटर करता है, तो उनके लिए हो सकता है ये गाड़ी थोड़ी सी
दिक्कत दे, बाकी जो जिनको बस चलना है और बढ़िया मस्त, मतलब एक अलग रोड पे वो बनाना रोड प्रेजेंस, मतलब इसमें तो गाड़ी है ना जो घूम रहा है वो भले गैंगस्टर टाइप का आदमी हो या ना हो, सामने वाला जिसको देख के यही लगेगा कि वजनदार आ रहा है। जैसे खराब रोड में ये गाड़ी ना ऐसे हिला के रख देती है यार। अभी तक मैंने स्कॉर्पियो क्लासिक चलाई नहीं है, अगर उसमें ये चीज अच्छी कर दी होगी ना तो इस गाड़ी का तो फिर कोई जवाब ही नहीं है। और पीछे वजन ना होने के कारण है ना बहुत सी जगह ऐसा जहाँ कीचड़ हो जाता है वो हो जाता है, तो ये गाड़ी राउंड जल्दी खाने लगती है, मतलब इसके टायर स्पिन जल्दी करने लगते हैं, तो फिर उस पे पीछे कुछ वजन डालो या कुछ करो तो फिर आराम से निकल भी जाती है। बाकी भाई इसकी सेटिंग जो है ना, सेटिंग तो एक नंबर है, ऊपर अच्छी हाइट पे बैठे हैं अपन, अच्छी खासी पूरा बोनट विजिबल है मेरे को आगे, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और सस्पेंशन स्टेप होने का एक एडवांटेज भी है, मतलब लोगों को लगता होगा कि सस्पेंशन स्टेप है तो वो क्यों है, तो इसका एडवांटेज भी एक, इसके सस्पेंशन जल्दी खराब नहीं होते क्योंकि ऐसे स्टेप सस्पेंशन है तो वो उनकी लाइफ लॉन्ग हो जाती है, और गाड़ी पे वेट भी ज्यादा रख सकते हैं अपन पीछे। और ऐसे खराब रोडों में भी इस गाड़ी को चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बढ़िया से ये गाड़ी निकल जाती है चलाते, और ऐसी रोड में भी ये गाड़ी भगानी हो ना तो ठीक है, ऐसी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। बस ये है कि अगर इस गाड़ी के क्या है स्टेप सस्पेंशन है, तो अगर आप ज्यादा तेज निकाल दोगे ना किसी गड्ढों से और खराब रोड में, तो ये गाड़ी हो सकता कूद के बाहर इस साइड उस साइड बाहर आ जाए, तो वो सोच समझ के मतलब चलाना पड़ेगा। वैसे आपको जो जो चलाता रहेगा इस गाड़ी को तो उसको तो पता है कि ये गाड़ी कैसे चलेगी। जो बॉडी रोल है ना, मेरे को तो भाई बॉडी रोल का भी मजा है, अलग मजा आता है उसमें भी। जो गाड़ी बिल्कुल स्टेबल होके चले हमेशा उसको चलाने में भी मजा नहीं आता, इन गाड़ियों में भी काफी मजा आता है। तो अब ऐसी रोड में जब ये गाड़ी चल रही है तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा था, कि ये गाड़ी स्टिफ सस्पेंशन है और इसका वेट थोड़ा कम है तो उसके कारण ये थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। वैसे थोड़ी देर अगर इसको ऐसे चलाओगे तो मजा आएगा, पर अगर ज्यादा लंबा रूट जाना हो और ऐसे हो और आपकी फैमिली साथ में बैठी हो, जिसको क्योंकि ये फैमिली कार है भी है कि, तो आप इंसान फैमिली को लेके घूमेगा और ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन बनेगी तो दिक्कत हो जाएगी, तो वो दूर दूर जाओ तो थोड़ी कभी कभार दिक्कत बन जाती है। अब आपको ऐसे रोड से निकलना है तो उसके लिए अब आपके पास अगर सेडान होगी या कोई छोटी गाड़ी होगी तो उसमें तो दिक्कत जाएगी जाएगी, और आपके पास अगर स्कॉर्पियो है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे इसका ये टर्निंग रेडियस है ना वो भी काफी अच्छा है, तो ये भी एक एडवांटेज है इसका, काफी कम जगह पे मुड़ जाती है गाड़ी। तो यही था फिर आज का वीडियो, इस वीडियो को यहीं खत्म करते, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और बाय बाय। बाय कर दो भाई साहब, बाय बाय।